मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिख के, जरा इसको मैं बता दू। मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या, ये प्रश्न है। कल मैंने गोमूत्र का महत्व बताया था ना, तो मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या। मनुष्य का मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है और बागवत चिकित्सा में उसके लिए दो सूत्र हैं। उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते हैं, माने अपना स्वयं का मूत्र पी सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप संपूर्ण शाकाहारी होने चाहिए, संपूर्ण शाकाहारी, माने मांस ना खाएं, मदरा ना पिए, और आप ये जो है अंडे वंडा ना खाएं, तो आप अपना स्वयं का मूत्र भी उपयोग में ले सकते। आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा दोनों में क्या। तो भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा। अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्ध है तो वो पिए, नहीं उपलब्ध है तो आप स्वयं का मूत्र भी पी सकते हैं। अब स्वयं के मूत्र में वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठे और पहला मूत्र हो वही उपयोगी है, बाकी दिन भर का नहीं। उठे और पहला मूत्र, और पहले मूत्र को भी कलेक्ट करने की विधि उन्होंने बताई है। वो विधि क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़े, शुरू का दो चार पांच मिलीलीटर 10 मिलीलीटर तक छोड़ें, और अंत का बिल्कुल छोड़ें, बीच वाला, यही आप पी सकते हैं। तो आप बोलेंगे किस किस बीमारी में काम आएगा, कम से कम आपका स्वयं मूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा, पित्त की बीमारियों में भी काम आता, थोड़ा कम आएगा। और उसके साथ आयुर्वेद की कुछ औषधियों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी इतना ही कहता हूं, अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा। ये जैसे त्रिफला चूर्ण है, मेथी है, गोमूत्र है, तो ये क्या क्या चीज सुबह में लोग लें, क्या क्या पिए, हाँ क्या क्या लें। अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीजें अब आपके सामने हैं, सवेरे क्या क्या लें। तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विनती के रूप में करना चाहता हूं कि 30 तारीख को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में, वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्योंकि ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब हमारे सामने सिलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या क्या करें। अब सवेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई है, तो आप दो दिन इंतजार कर लें। 30 तारीख का सेशन मैं इसी के लिए करने वाला हूं कि जितना आपके पास ज्ञान आ गया, अब इसमें से सेलेक्टिव कैसे हो, कौन कौन सी एक दो तीन चीजें करें जो आपके लिए पर्याप्त हो, वो मैं आपकी प्रकृति, स्वभाव और चिकित्सा रोग के हिसाब से बताऊंगा। जैसे वात वाले हैं वो क्या क्या कर ले, पित्त वाले हैं वो क्या क्या कर ले, कफ वाले हैं वो क्या क्या कर ले। और ये जो सारा बोला है इसका समप भी 30 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के इसी सेशन में मैं करूंगा। गाय के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, अच्छा है। गाय का पंचामृत जो होता है वो इतना शुद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं। सही बात, मैंने इसका सदुपयोग किया है, पांचों चीजों को जिसको मिला करके आप ले तो जिंदगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है, उसके बारे में आप बताते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, थोड़ा गाय के गोबर का रस और ये सब मिलाकर थोड़ा गुड़, ये है पंचामृत। इसमें गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि दूध में वैसे शहद नहीं मिलाते, लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है। घी में शहद नहीं मिलाते लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता। तो पंचामृत बनाने की विधि पुस्तक में है, आप ले लो। ये पंचामृत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है, वात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है, बहुत गहराई से असर करता है। अबनॉर्मलिटी इन हार्मोन्स, उसका कोई क्योर है? हाँ बिल्कुल है। आप इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे? जरूर, मैं आपको लिख के देता हूँ। जरूर जरूर। बटाटा नहीं खाना? नहीं, सुबह सुबह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा, रात को खाओ तो वेट बढ़ेगा। पराठा रात को नहीं खाना, सुबह खाना। आप थोड़ा या तो चूना खा लो, और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पी लो, एलर्जी सब तरह की ठीक हो। चूना खाने के लिए 1 ग्राम चूना दही में मिला के या मट्ठे में मिला के, छाछ में, नहीं तो पानी में मिला के, नहीं दिन में, सुबह। गुस्सा नहीं आए, गाय का घी नाक में डालो, गुस्सा नहीं आएगा। गाय का घी नाक में डाल के सोना, एक दिन में
अगर आप मेहनत का काम करते हैं, रात को मैं बोल रहा हूं, मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 8 घंटे नींद चाहिए। मेहनत करते 8 घंटे, और अगर मेहनत नहीं करते सिर्फ बैठने का काम है तो 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे। गोबर गैस, गाय की गौशाला जो होती है ना, जहां गोबर है वहीं पर ये गोबर गैस बनती है और वहीं से सिलेंडर में भर के हम सबको दे सकते हैं। गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनट में पी लेना चाहिए, बोतल में भर के 4-5 दिन तक रख सकते हैं। कांच की बोतल, बीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दाना।